शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे गर्मियों में ठंडी ठंडी कुल्फी का स्वाद पसंद ना हो। आज की रेसिपी फालूदा कुल्फी की है, जिसे हमने बिना गाय के दूध के बनाया है। कुल्फी बनाने के लिए हम 1 लीटर प्लांट बेस्ड मिल्क लेंगे और इस दूध को हल्के सेक पर तब तक पकाएंगे जब तक वो गाढ़ा नहीं हो जाता। कुल्फी ताकि गाढ़ी बने, इसलिए हमने इसमें 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर का घोल बना के डाला है। आपको पता चल जाएगा कि दूध तैयार है जब वो आपकी करछी या स्पैचुला पर चिपकना शुरू कर दे। पके हुए दूध में हम 1 बड़ा चम्मच भिगोया हुआ केसर डालेंगे। अगर आपके पास केसर ना हो तो आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें हम कटे हुए बादाम, पिस्ता और चीनी डालने के बाद कुछ देर के लिए पकाएंगे। जब दूध 1/3 मात्रा में रह जाए तो उसमें 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। जब दूध ठंडा हो जाए तो उसे हम कुल्फी के मोल्ड में डालेंगे। अगर आपके पास कुल्फी बनाने वाले मोल्ड ना हो तो आप कांच के गिलास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब कुल्फी को हम 6 से 8 घंटे तक के लिए फ्रीजर में जमाएंगे। चलिए तब तक हम फलूदा सेव बनाते हैं। सेव बनाने के लिए हमने 1 बड़ा कप कॉर्न फ्लावर का लिया है और 2.5 कप पानी, 1 छोटा चम्मच चीनी लेंगे। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम हल्की आंच पर लगातार हिलाते हुए पकाएंगे। ध्यान रहे कि इस तैयार किए हुए बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी हो कि जब आप इसे स्पैचुला पे उठाएं तो ये उस पर टिका रहे, बह ना जाए। अब हम 1 बड़े बर्तन में बर्फ वाला ठंडा पानी ले लेंगे। फालूदा बनाने के लिए हमें बारीक छेदों वाली सेव बनाने वाली मशीन चाहिए होगी। तैयार किया हुआ मिक्सचर मशीन में डालेंगे और ठंडे पानी में हल्के हाथ से मशीन को दबाते हुए सेव बनाएंगे। इस सेव को पानी के साथ ही फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रखेंगे ताकि सेव अच्छी तरह से सेट हो जाए। सेव को पानी में कुछ दिनों के लिए स्टोर भी किया जा सकता है। अब कुल्फी बनकर तैयार है, तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। मैंने 1 बोल में रूम टेम्परेचर पर पानी लिया है। अब 1-1 कर मैं मोल्ड को इसमें हल्के हाथ से घुमाते हुए कुल्फी निकाल लूंगी। सर्व करने से पहले आप कुल्फी पे अपने मन पसंद ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, फालूदा और कोई भी रोज सिरप डाल सकते हैं। मैंने इस रेसिपी में शहतूत से बना हुआ सिरप यूज किया है। अगर आपको ये फालूदा कुल्फी की रेसिपी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा।